सो हेलो गाइस, आज हमारे सामने मारुति सुजुकी ऑल्टो के टेन। आज हम इसका वॉक अराउंड वीडियो बनाने वाले हैं। इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, प्राइस एंड इसके ओनर प्राइस की बात करेंगे। सो इसके प्राइस की बात किया तो इसका एक्चुअल शोरूम प्राइस है 5.05 लाख रुपीस एंड इसका ऑन रोड प्राइस है 5.56 लाख रुपीस। सो वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। किस से आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक किस देखने को मिल जाती है VX Sierra में। रिमोट सेंटर लॉकिंग का फीचर नहीं दिया गया आपको VX Sierra में। एंड अब गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात किया तो आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लुक्स देखने को मिल जाते हैं। पहले वाली केटन ज़्यादा बढ़िया लगती थी वैसे देखने में, बट ये भी आपको काफ़ी डिसेंट लुक्स के साथ देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स, ऑल्सो इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड दिए गए हैं। एंड हेडलैम्प्स के अराउंड आपको यहाँ पे हनीकॉम डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा विद ग्लोस ब्लैक फिनिश। ऑल्सो फ्रंट ग्रिल भी आपको यहाँ पे हनीकॉम डिज़ाइन में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, बट आपको यहाँ पे फोग लैम्प इंस्टॉल करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई। फोग लैम्प हाउसिंग भी नहीं दी गई आपको यहाँ पे। एंड अब साइड प्रोफाइल की बात किया तो आपको यहाँ पे बिल्कुल डिसेंट लुक्स देखने को मिल जाते हैं। ना ही ज़्यादा आपको कट्स एंड एजेस देखने को मिलते हैं और ना ही ज़्यादा कर्वी लुक्स दिए गए। और अब व्हील्स की बात किया तो आपको यहाँ पे स्टील रिम्स देखने को मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स। व्हील्स का साइज़ मिल जाता है आपको 145/80R13 एंड इंडिकेटर्स आपको फेंडर पे देखने को मिल जाएंगे। और ओआरएम्स आपको प्लास्टिक में मिलते हैं, बट डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर मिल जाएंगे। एंड अब बैक प्रोफाइल की बात किया तो आपको बैक प्रोफाइल से भी काफ़ी डिसेंट लुक्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी क्यूट लुकिंग मिल जाती है आपको ऑल्टो के टेन। बैक प्रोफाइल में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड टेल लैम्प्स, रिवर्स पार्किंग लाइट, इंडिकेटर्स एंड ब्रेक लाइट सभी आपको हेलोजन बेस्ड मिलते हैं। और बम्पर के ऊपर आपको यहाँ पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है ऑल्टो की बैजिंग। बट रियर विंडशील्ड के ऊपर आपको ना ही डी फोकस मिलता है और ना ही वाइपर। ऑल्सो हाई स्टॉप लैम्प भी आपको विंडशील्ड के ऊपर ही मिल जाता है। सो चलिए अब देख लेते हैं ऑल्टो की बूट। बूट स्पेस आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है ऑल्टो में। गाड़ी का साइज़ छोटा होने के बावजूद भी काफ़ी बढ़िया मैनेजमेंट की है स्पेस की। स्पेयर व्हील की बात किया तो आपको स्पेयर व्हील भी सेम साइज़ का देखने को मिल जाता है, बट आपको भी VX Sierra में पार्सल ट्रे नहीं दी गई। और बूट डोर के ऊपर आपको यहाँ पे गाड़ी के हिसाब से छोटी सी कवरिंग मिल जाती है, वेल ये डोर लॉक मैकेनिज्म को छुपाने के लिए। सो चलिए अब देख लेते हैं ऑल्टो का इंटीरियर। ड्राइवर साइड डोर के ऊपर आपको यहाँ पे प्लास्टिक डोर हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाएगा। एंड नीचे आपको बोतल होल्डर एंड कुछ स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, बट आपको VX Sierra में मैनुअली एडजस्टेबल वायरिंग देखने को मिलते हैं। एंड डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ बटन्स मिल जाएंगे जो टो वेरिएंट में मिलते हैं। नीचे आपको हेडलैम्प लाइटिंग स्विच मल जाएगा। एंड अब स्टीयरिंग व्हील की बात किया तो आपको ऑल्टो में 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। वही वैगनर वाला स्टीयरिंग यूज़ किया गया ऑल्टो में भी। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट्स आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलती। और अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात किया तो आपको ऑल्टो में एस्प्रेसो वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, नीचे आपको MID मिल जाती है और लेफ्ट एंड राइट साइड आपको वार्निंग्स मिल जाएंगी। MID में आप देख सकते हैं ट्रिप्स, टाइम, फ्यूल गोज, एवरेज, रेंज एंड अदर थिंग्स। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा वाइपर कंट्रोल और राइट साइड आपको हेडलैम्प कंट्रोल मिल जाता है। एंड अब इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की तो आपको VX Sierra में काफ़ी बेसिक टाइप का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। ऑल्दो ये काफ़ी बेसिक है, बट ये नेसेसिटी भी होती जा रही है आजकल। इंफोटेनमेंट के लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे ट्रैक्स, राइट साइड वॉल्यूम कंट्रोल, यहाँ पे आपको ओक्स एंड USB मिल जाती है और राइट साइड आपको वही ट्रैक चेंज मिल जाते हैं। एंड यहाँ बीच में आपको मिल जाएंगे कॉल के कंट्रोल्स, मेन्यू, मोड, डिस्प्ले और नीचे आपको मिल जाएगा हेजार्ड लैंप बटन। इसके लेफ्ट एंड राइट साइड आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फ्रंट पावर विंडोज मिल जाती है आपको VX Sierra में, दोनों ही आपको नॉर्मल पावर विंडोज़ मिलती हैं, ऑटोमेटिक पावर विंडोज़ देखने को नहीं मिलती आपको VX Sierra में। और यहाँ नीचे दिए गए AC कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे मोड्स, राइट साइड फैन स्पीड, ऊपर आपको टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है एंड नीचे आपको एयर सर्कुलेशन मिल जाएगा। वेल ये दिखने में तो काफ़ी बेसिक है, बट ये है काफ़ी ज़रूरी। और यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा 12V सॉकेट, कुछ और स्पेस, ऑल्सो 2 कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे आपको ऑल्टो में। एंड अब गियर बॉक्स की बात किया तो ऑल्टो में मिल जाता है 5-स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। गियर लीवर आपको यहाँ पे काफ़ी बेसिक डिज़ाइन में देखने को मिल जाता है।
यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगी, होल से आपको यहाँ पे कुछ और स्पेस मिल जाता है। और VX5 वेरिएंट में आपको यहाँ पे किसी भी टाइप का डिमिंग आयरन नहीं दिया गया, रूफ में आपको यहाँ लाइट मिल जाती है और सन वाइज़र के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। एंड सन वाइज़र 1/3 विंडो को ब्लॉक कर लेता है और ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ पे स्टील मिलते हैं। ऑल्सो ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। और अब ग्लव बॉक्स की बात की जाए आपको ऑल्टो में काफ़ी बड़े साइज़ का ग्लव बॉक्स देखना मिलता है ऑल्टो के साइज़ के हिसाब से, ना ही मैं कह रहा हूँ कोई बड़ी गाड़ी के हिसाब से। और अब फ्रंट सीट्स की बात की जाए फ्रंट सीट्स के एडजस्ट इंटीग्रेटेड है, दोनों फ्रंट सीट्स आपको फोर वे एडजस्टेबल देखने को मिल जाएंगी। एंड अब चलते हैं रियर सीट्स पे, रियर डोर पे दिए गए फीचर्स की बात की जाए आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैनुअल विंडो कंट्रोल, प्लास्टिक डोर हैंडल्स, डोर पकड़ने के लिए स्पेस और नीचे आपको स्पीकर मिल जाता है। एंड अब गाड़ी में दिए गए स्पेस की बात की जाए आपको यहाँ पे डिसेंट स्पेस देखने को मिल जाएगा, लेग रूम एंड नीट रूम आपको यहाँ पे डिसेंट देखने को मिल जाते हैं, बट थाई सपोर्ट की आपको यहाँ पे कमी देखने को मिल सकती है। और यहाँ रियर सीट के लिए आपको यहाँ पे किसी भी टाइप की लाइट देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। ऑल्सो रियर सीट्स के एडजस्ट भी इंटीग्रेटेड है, रियर सीट्स आपको बेंच फोल्डिंग देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं ऑल्टो इंजन पे, ऑल्टो में आपको मिल जाता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 65 BHP पावर एंड 89 Nm ऑफ टॉर्क, बट यहाँ पे आपको बोनट इंसुलेटेड नहीं दिया गया। और अब गाड़ी में देखिए सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो आपको मिल जाएंगे 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक एंड अदर सेफ्टी फीचर्स। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं आप एंड चैनल पर तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।